Hello children, this is our next class, the same chapter. Now the next topic is accounting cycle, or you can say accounting process. See, I have already told you the first thing we got in accounting is transactions or events. हम लोगों को सिचुएशंस या इवेंट्स मिलती थी दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज और द आइडेंटिफाइड कि ये हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की है कि नहीं. देन आफ्टर गेटिंग दिस ऑल ट्रांजेक्शन्स विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन आर बुक. उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल बुक. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नलाइजिंग. देन वी पोस्टिंग और द क्लासीफाइंग. मैंने आपको बताया था सभी जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको फिर क्लासीफाई करते हैं, तो हम उसको कहते हैं लेजर बुक. हमारी लेजर होती है, उसको हम द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इज पोस्टिंग. देन नेक्स्ट इज समराइजिंग. समराइजिंग का मतलब मैंने बताया था आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म करना ट्रायल बैलेंस. फिर उसके इस ट्रायल बैलेंस को हम बेटा सेमी एंड प्रोडक्ट भी कहते हैं. जब हमारा यहाँ तक का बन जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, तो हम थोड़ा सा रिलीफ कर लेते हैं कि हाँ हमारा हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया. हाफ का मतलब है हाफ से ज्यादा. ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इसको हम कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रेट. ठीक है, और फिर लास्ट तो हमारा होता ही है कि इसको क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं अगर हमें करना होता है तो. अदरवाइज जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं बेटा, वो तो कम्युनिकेट करती ही हैं. ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. लेकिन हाँ, जो लास्ट प्रोसेस जो होता है, हमारा लास्ट साइकिल जो होती है इसकी ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन से शुरू होकर वो कम्युनिकेशन ही होती है. राइट, तो दिस इज योर अकाउंटिंग साइकिल एंड प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अकाउंटिंग? क्या जरूरत है अकाउंट्स को बनाने की? तो फर्स्ट हमारा आता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. हमारा क्या होता है कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. इसमें हम क्या करते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. बेटा देखो, रिकॉर्ड्स को बनाना, ठीक है, सिस्टमैटिक, और फिर उसको रूल्स के हिसाब से बनाना, डिफरेंट थिंग. तो हमारा मेन पर्पस होता है कि टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड. अगर हम रूल के हिसाब से बनाते हैं तो ना हमारे फ्रॉड होते हैं और ना ही हमारी ओमिशंस होती हैं. नेक्स्ट वो ये बोलता है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस. अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है टू मेन ऑब्जेक्टिव, मेन का मतलब क्या हुआ? मेन, ये तो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव. अगर मेन बोलता है तो उसमें से एक आप ये लिखेंगे टू मेन ऑब्जेक्टिव, और एक आप ये वाला लिखेंगे टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है, तो हमारे पास टू मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू असर्टेन प्रॉफिट एंड, क्योंकि ऑब्वियस मैंने अभी आपको बिजनेस में भी मैंने आपको बताया द मेन पर्पस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स. तो हमारा सबसे पहले क्या होता है? टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना. नेक्स्ट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन. अब हमने क्या किया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जब हमारा असर्टेन हो गया तो हमें क्या करना है? बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशंस को हमें अब देखना है. फाइनेंशियल पोजीशंस का भी बेटा यही मतलब होता है. डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब होता है कि आपके पास हाउ मेनी असेट्स यू हैव, हाउ मेनी बोरोइंग्स नाउ यू हैव टू पे ऑफ. ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो आपका क्या होना चाहिए रेशियो? रेशियो ये होने चाहिए कि असेट्स मस्ट बी डबल एज लायबिलिटीज, कि जितना तुमने बोरोइंग्स लिया है उसका डबल तुम्हारी खुद की असेट होनी चाहिए. तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन. नेक्स्ट इज टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, वेदर द फर्म इज गेटिंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस ईयर बाय ईयर. तो ये आपको देखना होता है. सपोज अगर बाय चांस अगर 2 साल लगातार उन्होंने 2 ईयर्स लगातार लॉस ले लिया,
ठीक है, उसके बाद आपको पॉलिसीज को कैसे चेंज करना है, क्या आपने एजेंडा रखना है, फोरकास्टिंग कैसे करनी है कि हमें इस साल प्रॉफिट ही हो। तो हमारा क्या होता है कि किस तरह से हम इनको हम प्रोग्रेस को, बिजनेस की प्रोग्रेस को बना सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। सबसे पहली बात होती है, अगर आप किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अपने घर में भी देखिए, अगर आपके पेरेंट्स आप बस लिखते हैं जो आपका, जैसे सपोज करो जो खर्चा होता है घर में, ठीक है, एक तरफ हमने लिखा है हमारी इनकम क्या है, दूसरी तरफ हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, जब उसमें से कुछ स्किप हो रहा होता है तो हम याद करते हैं ना उन सब चीजों को। तो इससे क्या होता है कि हमारे इस बिजनेस में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एरर्स और फ्रॉड्स होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो रिकॉर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे अकाउंटिंग का, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स, और अगर कुछ गलती हुई है तो वो डिटेक्ट हो जाती है। अगर हमारे एम्प्लॉयज भी अगर कैश में कुछ करते हैं, ठीक है, एम्बेजलमेंट, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव होता ही है, मैंने जैसे आपको लास्ट स्टेज बताई है कम्युनिकेशन, तो हमारी क्या होती है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अकाउंटिंग होने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, अब इंटरेस्टेड पार्टीज में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। द इन्फॉर्मेशन हेल्प इन टेकिंग साउंड एंड वाइज डिसीजंस अबाउट द बिजनेस एंटिटी। क्या होता है कि ये जब चला जाता है उसके बाद फिर सपोज करो बैंक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बैंक को जरूरत है इसकी इन्फॉर्मेशन की, फिर बैंक मेरे बुक्स को देखकर, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको देखकर कुछ डिसीजन लेता है कि भाई इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें। ठीक है, तो कुछ डिसीजन होते हैं जो हमें आउटसाइडर्स को दे कम्युनिकेट करने पड़ते हैं, फिर फोरकास्ट करते हैं। तो हमारा ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग नंबर वन। दिस इज सेम आपको लगेंगी, बेटा देखिए, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, अगेन इट इज सिस्टम, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मैंने अभी आपको बताया वही सेम, ठीक है। सेकंड होता है वो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, अभी लास्ट प्रोसेस था हमारा कम्युनिकेट करना, ठीक है। थर्ड हमारा फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्या काम करता है ये जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का अब क्या काम है भाई, हमने क्यों बनाया है अकाउंटिंग। तो पहला तो होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है, सेकेंड वो बोलता है कम्युनिकेट कर देता है टू इंटरेस्टेड पार्टीज को, ठीक है। थर्ड कहता है प्रोटेक्ट करता है असेट्स को बिजनेस की, भाई अगर हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारी अब क्या सिचुएशंस हैं, तो उस केस में हम पहले से ही क्या ले लेते हैं, उन सब चीजों की रिलायबिलिटी ले लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब ये सब चीजें होने वाली हैं, फोरकास्ट पहले ही हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, जिसको हमने पे ऑफ करना है करते हैं, तो अरेंजमेंट्स कर लेते हैं उस हिसाब से। तो हमें जो मेन जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस। बेटा देखो, असेट्स ही होती है आपकी जो खुद की होती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि अगर सपोज इफ द फर्म इज गेटिंग लॉस, इनकरिंग लॉस, एंड इफ यू वॉन्ट टू वाइंड अप योर बिजनेस, तो दीज आर द असेट्स ओनली यू हू प्रोटेक्ट यू, कि आपकी यही असेट्स सॉर्ट ऑफ कर हम पे ऑफ करते हैं फिर कुछ कुछ। फोर्थ हमारा होता है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, भाई जब हमारे हाथ में कोई चीज होती है, अब सपोज करो तुम्हारे हाथ में रिजल्ट है तो तुम्हें बताएगा ना कि हम किस सब्जेक्ट में इंप्रूव करना है, क्या हमें करना है। अब तो सेम अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग हमारे सामने होती है, अकाउंटिंग सामने होती है, तो उसका फंक्शन यही होता है कि हम बताइए अब हमें करना क्या है, किस तरह से हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, किस तरह से हमें पॉलिसीज बनानी है, तो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है।
फिफ्थ वो बोलता है आपका, ये एक तो ये होता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स होता है, ये एक तरह से क्या होता है लीगल लॉ, ये डॉक्यूमेंट होता है बेटा, कि एक एक जो फंक्शन होता है हमारा बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये एक हो जाता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, ये करता है हमारा, ठीक है। मतलब अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट भी है, इनकम टैक्स एक्ट भी है, जीएसटी एक्ट भी हो गया है अब तो बिजनेस फर्म हैज टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट्स सच एज हमारी एनुअल अकाउंट्स, इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न्स वगैरह सब हमें सबमिट करनी होती है। तो एक तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, लीगल नीड्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे फॉर्म पे कुछ ऐसा कोई स्यू करता है या कोई एफआईआर लॉन्च करता है तो हम इस लीगल डॉक्यूमेंट को ही शो करते हैं, राइट चिल्ड्रन। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मैं आपको बताऊंगी एडवांटेजेस, वो ये सब बेटा मिलते जुलते हैं सारे। तो एडवांटेजेस भी हमारे क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले तो वो फर्स्ट एडवांटेज बोलता है हेल्पफुल इन प्लानिंग, हमारा क्या करता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में किस तरह से हेल्प करता है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस किस किस तरह से करता है वो देखो जरा। एक तो वो बोलता है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, प्लान करता है फिर डिसीजन लेता है और फिर उसको कंट्रोल करता है, तो ये सबसे पहला एडवांटेज है वाला। सेकंड करता है फिर वही अगेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बेटा ये आपको बुक में से भी बहुत सब पूरी थ्योरी पढ़नी है, ये मैं आपको जस्ट हिंट दे देकर समझा रही हूँ सारा। थर्ड फिर वही है प्रॉफिट एंड लॉस को, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ फिर वही है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है अभी मैं आपको करवाती हूँ फिर इनको। सो चिल्ड्रन अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इन दिस नंबर वन हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हाउ इट कैन हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट मैनेजर्स हैव टू प्लान द पॉलिसीज, कि पहले पॉलिसीज को प्लान करते हैं, देन विल टेक द डिसीजंस एंड देन इफ देयर विल बी एनी शॉर्टकमिंग्स आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दे विल कंट्रोल द ट्रांजेक्शंस और द सिचुएशंस व्हाट एवर इट विल बी, राइट। तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस, कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगेन इट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल। एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, व्हाट डज इट मीन एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, इफ द सेम इंडस्ट्री विल बी देयर देन दे कैन कंपेयर देमसेल्व्स कि किस तरह से हम चल रहे हैं, हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है। से फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज एबीसी लिमिटेड एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड, बोथ आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो दे कैन कंपेयर देमसेल्व्स टू ईच अदर कि हम कहाँ पर हैं, कौन हु इज गेटिंग प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट देन अदर, ठीक है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, एनेबल्स कंपैरेटिव, जब हमारे पास अकाउंटिंग होगी तभी हम कर सकते हैं ना, तो ये हमारा एडवांटेज होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्यू करता है या कोई एफआईआर लॉन्च करता है तो इट विल बी लाइक एज ए एविडेंस इन लीगल मैटर्स। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स, दिस आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू कि प्रिवेंशन में और डिटेक्शन को एरर्स को किस तरह से डिटेक्ट करता है और फिर उसको प्रिवेंट भी कर देता है, कोई भी अगर हमारा फ्रॉड होता है या एरर होती है तो उसको प्रिवेंट कर लेता है, पहले तो डिटेक्ट करता है उसके बाद फिर प्रिवेंट कर लेता है। हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स, हाउ इट कैन हेल्प इट, इफ द फर्म इज सपोज एक फर्म को इफ द फर्म इज वांट टू बोरो सम लोन फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिफोर गिविंग एनी लोन
by the bank and the institutions, they screen your some collateral. मैंने आपको पढ़ाया था 10th क्लास में. तो collateral को लेने के लिए अब collateral होगा क्या उनका? Obvious, उनकी info यही तो होगी हमारे accounting records. किसी this is my profit, this is my capital contribution, this is my investment, I have so many debtors, I have so many assets. ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी? सिक्योरिटी. और उसको देने के बाद हम क्या कर सकते हैं? लोन रेज कर सकते हैं. तो ये हमारे दीज आर एनफ पेटम. अगर मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए एडवांटेजेस के, दीज आर एनफ. तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. एज वी हैव सो मेनी ब्रांचेस इन अकाउंटिंग, बट आई विल एक्सप्लेन यू ओनली 3. एंड इन आर कोर्स क्लास 11th एंड 12th वी हैव ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो प्लीज केयरफुली लिसन दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Now we have 3 branches of accounting. This is financial accounting, cost accounting, management accounting. As there are 2 more accounting, I can say you this is tax accounting and social responsibility accounting. So financial accounting, what is financial accounting? The main purpose of this branch of accounting is to record the business transaction in a system. Pura ye inke points ko uthakar aur aap usko points ko kya kar sakte hain? Merge kar sakte hain. To record the financial business transaction in a systematic manner, to ascertain profit and loss and the financial position of the accounting period by preparing profit and loss account and present financial position of the business by preparing balance sheet. This branch of accounting provides information required by the management and various other interested parties. Ye aapki financial accounting ho gaya. Cost accounting kise kehte hain? The main purpose of cost accounting is to ascertain the total cost and per unit cost of goods produced and services rendered by a business. It also estimates the cost in advance and helps the management in exercising strict control over cost. Beta CWA suna hai, cost and working accounting. Bahut sare jo students hain wo apna career बनाते हैं कॉस्ट ICW. तो CWA में क्या होता है आपका? कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटिंग. उसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग को ही. इसमें हम क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? कॉस्ट को मेन जो हमारा जो मेन जो बेस होता है वो कॉस्ट होता है. उसमें हम असर्टेन करते हैं टोटल कॉस्ट भी और पर यूनिट कॉस्ट भी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस. ठीक है, ये क्या और एस्टिमेट करता है? कॉस्ट एडवांस में एस्टिमेट कर देता है, जिससे हम अपना क्या करते हैं? प्रॉफिट उसके अंदर ऐड कर और फिर सेलिंग प्राइस को निकाल लेते हैं. कोई भी, अब मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं कर रही, कोई भी लार्ज स्केल पे जो होता है, सपोज करो एक आप बड़ी मशीन ही लीजिए, ठीक है, जो करोड़ में होती है, तो उसकी कॉस्टिंग हम लोगों ने पहले से रीड इन एडवांस, देन ऐड द प्रॉफिट एंड देन विल मेक द सेल वैल्यू. तो ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस. द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. These techniques include ratio analysis, budgetary control, fund flow statement, cash flow statement, etc. So these 3 are your branches of accounting, but I have already taught you beta. We have only financial accounting in our course, in our syllabus in class 11th and 12th, this financial accounting. Okay?